नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने कुछ नया आइडिया लेकर आए हैं और देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे टॉय है और अलग अलग बॉक्स है। आप देखिए, ये जो बॉक्स है एक रुपये बिक्री का बॉक्स है, जो आपको लगभग मान लीजिए 30 पैसा तक पड़ने वाला है और इसमें कुछ ज़्यादा डालना नहीं रहता, दो आइटम डालना है। यहाँ पर देखिए, ये जेम्स है, ये जेम्स डुप्लीकेट जेम्स है और ये ओरिजिनल जेम्स है, ठीक है। ये लगभग आपका 1 केजी में 1000 पीस चाहती है और ये लगभग 3000 पीस चाहती है 1 केजी में। इसको आप चाहिएगा तो इस डिब्बा में दो आइटम डाल सकते हैं। एक तो सबसे पहले आप नोट डाल सकते हैं इसको, ठीक है, ये नोट डाल देना है एक तो, और एक तो दो दाना ये डाल देना है, बस दो ही आइटम इसमें डालना है या फिर छोटा छोटा टॉय डालना है। आपको 10 पैसा 20 पैसा 5 पैसा का जो भी टॉय होगा, ठीक है, जैसे 7 पैसा का टॉय आ जाता है, 15 पैसा, जैसे अपना बजट है, मतलब मिला के इसमें 20 पैसा 25 पैसा का टॉय देना है, ठीक है, और 30 पैसे 55 पैसा 50 पैसा में तैयार करना है और 100 पीस का रहेगा 60 रुपये में तैयार कीजिए, 65 रुपये में दीजिए होलसेलर को और वो 70 रुपये में बेचेगा, ठीक है, या 80 में बेचेगा, फिर भी अगला को 10 रुपये 20 रुपये मार्जिन आएगा पैकेट पर। ये देखिए पाइप है, ये चूरन वाला पाइप है, ठीक है, इसमें आप चूरन डाल सकते हैं और चूरन डाल के 1 रुपये वाला प्रोडक्ट बना सकते हैं और ये लगभग 30 पैसा में तैयार हो जाएगा। 20 पैसा पाइप का पड़ेगा और 10 पैसा का चूरन पड़ेगा, तो मिला के 30 पैसा 35 पैसा में 1 रुपये इसका सेलिंग है। और इसमें कुछ मेहनत ज़्यादा नहीं करी, इसमें हर प्रकार का देखिएगा डबिया हमारे पास मिलेगा, इस प्रकार का 5 रुपये वाला भी है और देखिए 1 रुपये वाला भी आता है, तो हर प्रकार का टॉय देखिएगा तो हर प्रकार का हमारे यहाँ टॉय मिल जाती है। और देखिए ये हमारे पास ये हजमोला पाचक है, यदि मान लीजिए बच्चा लोग का अगर पेट गड़बड़ा गया है ना तो ये पाचक खाएगा तो पच जाएगा, ठीक है, और पेट फ्रेश भी हो जाता है इससे, ठीक है, तो ये पाचक जो है बच्चा लोग को, ये भी लगभग आपको 1 पीस 15 पैसा पड़ने वाला है, ठीक है। और यहाँ दिखाइए थोड़ा सा जूम करके, ये किस प्रकार का है, यहाँ दिखाइए, ये जेम्स ओरिजिनल मिलेगा जिसका अंदर चोको मिलेगा, ये डुप्लीकेट है, ये सिप सिप लगेगा खाने में, ये इसका रेट कम रहता है, इससे बहुत सारा रेट कम रहेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं इस प्रकार का बहुत सारा डब्बा है, आप यहाँ पर दिखाइए पूरा, ठीक है, तो ये डब्बा इसे अगर आपको चाहिए तो मेरा वीडियो के अंत में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ रहता है, वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या वहाँ से डिटेल ले सकते हैं और ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और मेरा आप देख रहे हैं कि अगल बगल में जो बैठे हुए हैं ये हमारे यहाँ काम करते हैं सब और ये बहुत मेहनती भी हैं, ठीक है, और इन्हीं लोगों का बदौलत देखिए कि आज हम लोग यहाँ तक आए हुए हैं। और ख़ास करके देखिए ये हमारे पास ये अभय भाई है, ठीक है, ये बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात कंपनी के लिए बहुत मेहनत करते रहते हैं, ऐसा बात नहीं है, इन लोग एक बोली बोल दिया जाएगा तो ये लोग टूट पड़ते हैं, रात भर भी काम करते रहते हैं, मतलब जब ऑर्डर रहता है ना तो खूब काम करते हैं। और ये देखिए ये दूर से आते हैं, लगभग 3 किलोमीटर हमारे यहाँ से दूर से आते हैं और ये भी लगे हुए रहते हैं, हर प्रकार के काम करते रहते हैं, जो भी काम दे दीजिएगा, ठीक है। तो अभी अपना अगल बगल जो भी है इस प्रकार का जो नौजवान युवा है उसको आप रोजगार दे सकते हैं बैठ के, ज़्यादा नहीं तो 4000 5000 6000 जतना भी दे सकते हैं, स्टार्टिंग में तो दे सकते हैं, सीखते समय जब इन लोग पास टैलेंट हो जाएगा ना तो उस प्रकार से धीरे धीरे आप भी मतलब ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, अगर आपको अगर इच्छा है कि बिजनेस किया जाए, 4 आदमी को रोजगार दिया जाए तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे जो भी बिजनेस स्टार्ट करने की इच्छा हो, कोई जरूरत नहीं कि हम टॉय वाला ही बिजनेस करें, आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट लेके और सारा चीज लेके आप मार्केट में सेलिंग कर सकते हैं और बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगल बगल युवाओं लोग का भी आप रोजगार के लिए प्रोत्साहन कर सकते हैं, कहकर देखिए बहुत लोग इंडिया में भी देख रहे हैं कि धीरे धीरे संख्या बढ़ते जा रहा है, बेरोजगार होते जा रहे हैं, तो रोजगार यही एक माध्यम है कि अपना स्वयं का रोजगार हो, ठीक है, अपने रोजगार हो, खुद का मालिक बने और 10 का 20 का जितना प्रयास हो आप अगला को रोजगार दीजिए, ठीक है, ज़्यादा कुछ ना बोलेंगे, धन्यवाद।